मैं एक मिनट। हाँ आ जाओ। कुंजीलाल मीणा। यस सर। बैठ। आपका कौन सा इंटरव्यू है? थर्ड इंटरव्यू है सर। थर्ड इंटरव्यू। मास्क हटा लो, थोड़ा बोल, आवाज़ ठीक आएगी। कलात्मक अभिव्यक्ति में कमजोर हो तो आपकी इंजीनियरिंग में इसका क्या रोल है? इंजीनियरिंग में रोल सर? हाँ, कलात्मक अभिव्यक्ति का इंजीनियरिंग में क्या रोल है? सर मैं सर बोल नहीं पाता हूँ सर, जैसे मैं सर गाने की सोचता हूँ पर है ना सर वो गा नहीं पाता स्टेज पर। तो गाने से क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग में सर? चलो, इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? यस सर। क्या उपयोग है इसका? सर सर एग्जैक्ट पता नहीं है सर, पर गैस कर सकता हूँ सर। बताओ, गैस कर लो। सर जो कंप्यूटर है ना सर, उसका अपन जो दैनिक जीवन में ज़्यादा महत्व बढ़ाना वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। चलो, इसके ऊपर अध्ययन करना इंजीनियरिंग में क्या महत्व है? यस सर। कैमरा आदमी के किस अंग के अनुसार करके से मैच कर सकते हैं इसकी फंक्शनिंग को कैमरे की? ह्यूमन बॉडी के किस अंग जैसा है ये? सर आई। आँख जैसा है। विटामिन सी खाने के लिए क्यों कहते हैं कोरोना में? सर सर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है सर, विटामिन सी खट्टे फल होते हैं। ठीक है, और भी फायदा है दांतों वगैरह के लिए इसके लिए। अच्छा, जलियांवाला बाग का बड़ा जिक्र आया है इन दिनों में न्यूज़ में, क्यों आया? सर उसकी अभी उसके 100 वर्ष पूरे हुए थे सर, 13 अप्रैल 1919 को, ये 2019 को। तो अब तो 2 साल हो गए, 100 वर्ष हुए। और सर वहाँ पे अभी टूरिज्म डेवलप हो रहा है सर, टूरिज्म रिनोवेट किया गया है उसे, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है सर, इसलिए इसका जिक्र हुआ। कब हुई थी जलियांवाला बाग की घटना? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी सर। दांडी मार्च कौन से साल में हुआ था? दांडी मार्च सर 1917। ठीक, चलो। कुंजीलाल जी, आपने डिग्री करी 2016 में? यस सर। कौन सी कॉलेज से? इलाहाबाद से। एनआईटी इलाहाबाद। एनआईटी इलाहाबाद से। अच्छी कॉलेज से डिग्री की आपने, उसके बाद जॉब करी कहीं पर? सर जॉब नहीं की सर, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। ओके ओके। तो आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी सिविल इंजीनियरिंग में? कोई एक सब्जेक्ट हो जो सबसे अच्छी लगती हो? इरिगेशन। सो इरिगेशन। ओके। इरिगेशन में एक टर्म होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यस सर। क्या होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट? सर इट इज ए पॉइंट बिलो एट विच द सोइल प्लांट इज नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर। इसके बियॉन्ड वाटर, इसके बियॉन्ड वाटर कौन सा वाटर होता है? सॉइल वाटर कितने तरह के होते हैं? सर ग्रेविटी वाटर, और सर के एक जो कैपिलरी वाटर होता है, और सर हाइग्रोस्कोपिक। हाँ, हाइग्रोस्कोपिक। तो ये जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच में और फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो पानी होता है, वो कौन सा, इन तीनों में से कौन से तरह का पानी है? वो कैपिलरी वाटर है या ग्रेविटी वाटर है या फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर है? कैपिलरी वाटर है सर। कैपिलरी वाटर है। हाँ, जो अवेलेबल वाटर कंटेंट बोलते हैं सर दोनों के बीच का। एंड ड्यूटी क्या होती है क्रॉप की ड्यूटी? सर ड्यूटी को सर हेक्टर पर क्यूबिक में मेजर करते हैं सर। 1 क्यूबिक मीटर वाटर इज अप्लाइड इन 1 हेक्टेयर थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ बी। और डिस्चार्ज रेट कितनी रहेगी? किसकी सर? रेट ऑफ डिस्चार्ज कितना रहेगा? पानी जो अप्लाई करने के जो रेट है वो कितनी रहेगी?
वाटर एप्लीकेशन की जो रेट होगी वो क्या होगी लूट निकालने के लिए? एक टर्म सुना होगा वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मेनली किस वजह से आता है सर? एक्सेसिव एरीगेशन कर देते हैं सर। एक्सेसिव इरीगेशन से वाटर लॉगिंग आता है। इससे क्या होगा वाटर लॉगिंग? अगर सॉइल वाटर लॉग्ड है तो उससे प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी सर प्रोडक्टिविटी। क्यों ऐसा क्यों? प्रोडक्टिविटी पानी ज़्यादा मिल रहा है तो प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रही है सर? प्लांट इरिटेटेड हो जाते हैं सर। और वो इरिटेटेड का मतलब क्या है सर? मतलब सर जो लिमिट है उसकी वाटर की उससे ज़्यादा पानी। एरेशन का मतलब क्या है? एरेशन का मतलब क्या है? AERATED एरेटेड बोल रहे हो, एरेटेड का मतलब क्या है? इल एरेटेड इसका मतलब क्या है सर? मतलब एक्सेसिव वाटर सप्लाई सर। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, जब पानी भर जाएगा तो रूट जोन में क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा, एलेरेशन होगा। एलेरेशन होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम होगी। यस सर, ये होता है ना। चलो कुंजीलाल जी। यस सर। करौली से हैं आप? हाँ सर। करौली में कोई डैम भी है? हाँ सर, पांचना डैम है करौली में, जो सर पांच नदियों के संगम पर बनाया है सर। अटा, बरखेड़ा, माची, भैसावट, भद्रावती, जिसको सर अमेरिका की सहायता से उसको डेवलप किया गया है। वो नेचुरली मेड है या आर्टिफिशियल है सर? उसको बनाया है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है सर। नहीं, वो नेचुरली मेड है या मैन मेड है? मैन मेड है सर, मिट्टी का। इसके डाउन स्ट्रीम पे जो नदी बनती है उसका नाम क्या है? गंभीरी नदी है सर। गंभीरी नदी। गंभीर। अच्छा, गंभीर नदी। हाँ गंभीरी सर अलग है, गंभीर है वो। ठीक है। करौली में और कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं पास के अलावा? सर इसमें कालीसिल नदी है सर, जिसपे कैला देवी का मंदिर बना हुआ है, और सर मोरेल भी है सर कुछ पार्ट में करौली के में। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए डैम कितने तरह के होते हैं? सर डैम ग्रेविटी डैम होता है सर। ग्रेविटी डैम में स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन सा फोर्स इसके जो सर उसका कॉजिंग फोर्स है उनको रोकता है? सर इसका जो ग्रेविटी डैम का सर वो बेट होता है ना, वो ही सर इसकी उसको ग्रेविटी डैम की एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल सर। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों सर? कुछ और जो भी शेप में बना सकते थे सर? फोर्स है ना सर जो डाउन जो बॉटम पर ज़्यादा लगता है सर, तो इसलिए बेड थोड़ा नीचे की तरफ। हाइड्रोस्टैटिक वाटर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डायग्राम होता है वो कैसा होता है? किसके सर? वाटर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डायग्राम होता है वो कैसा होता है? पानी इस पे किस शेप में प्रेशर लगा रहा होगा? ट्रायंगुलर शेप में होता है सर। मतलब ट्रायंगुलर को रजिस्ट करने के लिए ट्रायंगुलर शेप। यस सर। इसमें एक ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं? हाँ सर। क्यों सर? जो सीपेज वाटर होता है सर उसको इजीली वो परकुलेट कर। इससे क्या होगा वहाँ पे सर? डैम फेलियर हो जाएगा सर। डैम फेलियर होगा, फेलियर के चांस रहेंगे। अच्छा पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, फ्लैग के बारे में कुछ पता है क्या सर? पहला पैरा ओलंपिक चल रहे हैं अभी। यस सर। इसके फ्लैग के बारे में कुछ पता है? हाँ फ्लैग है पता है सर। क्या है बताइए इसके बारे में सर? इसके जो सात महाद्वीप है उनके सर पैरालंपिक में। पैरा ओलंपिक का सर, सॉरी सर नहीं पता, कोई बात नहीं। पैरा ओलंपिक में फर्स्ट पोजीशन किसकी है अभी? चाइना सर। चाइना। और इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन सर सॉरी सर इसका पता नहीं है सर अभी। नहीं पता। कितने मेडल आ चुके हैं इसमें? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल चार आ चुके हैं सर आज तक। आज तक? हाँ आज। श्योर हो? हाँ सर। अभी न्यूज़ नहीं देखी सर? आज सुबह जो पेपर पढ़ा है तब तक चार थे अभी। ठीक है सर। आपका इंटरव्यू तो पूरा हो गया है। यस सर। और आप इम्प्रूव करें अपने जनरल अवेयरनेस को, टेक्निकल नॉलेज को, और गैस वर्क नहीं करें। कोई हर प्रश्न का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, यदि नहीं आता तो मना करें। अच्छा ठीक है। और लगातार अध्ययन करें, अखबारों का, टीवी देखें, अपने जो भी सूचना वो हम देते हैं अपने UPRPSC में
उसका ध्यान रखें, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी से कोई बात नहीं करनी है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखनी नहीं है। तो सर सॉरी सर बोल के, सॉरी सर कहो, बिल्कुल पोलाइटली मना करो। और सर जो से जो आंसर देना है सर, हिंदी इंग्लिश मिक्स दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में दे सकते हो, नहीं तो एक भाषा में भी दे सकते हो। अच्छा ठीक है, कहीं टेक्निकल टर्म सर, इंटरव्यू मेरा अभी है 9 को है, हैं 9 तारीख को है अभी। चलो विश यू बेस्ट ऑफ लक, कोई बात नहीं, और हर प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं है, दे भी नहीं सकते। हाँ सर, क्योंकि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, अंदर रिलैक्स रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह कम्युनिकेट करके जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है सर, और सर जैसे टाई लगा के जा सकते हैं सर या फिर नॉर्मल जा सकते हो? पर वैसे ये ऐसे भी जा सकते हो, सकता है बोर्ड के सदस्यों ने टाई नहीं लगाई हो। ठीक है, ठीक है सर, कल्याण सिंह सर तो महोदय या श्री लगा के कैसे वो जवाब, सम्मान से बात करो, श्री लगाओ तो अच्छा, श्री कल्याण सिंह जी, श्री कल्याण सिंह जी, सम्मान से बात करो। ठीक, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।